कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं रह गई, कैंसर कोसों की बीमारी है। जब भी कोसों की सामान्य प्रक्रिया में बदलाव आता है तो कैंसर होता है। सभी असामान्य कोष गांठ बनते हैं, पर सभी गांठ कैंसर नहीं होती है। जिसके संबंध में टाटा मेमोरियल मुंबई के कैंसर चिकित्सक डॉक्टर विनायक अग्रवाल ने बताया कि कैंसर के इलाज के लिए अब आधुनिक टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, जिससे अब पहले से बेहतर इलाज संभव है। उन्होंने बताया कि खासकर मुंह के कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू का सेवन करना होता है। स्तन, बच्चेदानी, गुर्दे का कैंसर का मुख्य कारण मोटापा होता है। कैंसर के बढ़ने का कारण समाज में कम जागरूकता तथा देर से इलाज शुरू होने से हो सकता है। डॉक्टर विनायक ने बताया कि अब जनपद में भी टाटा मेमोरियल के चिकित्सक कैंसर रोगियों के इलाज में लगे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर विनायक अग्रवाल ने कहा, तो फिर ये गले का पूरा गिल्टी है, ये पूरे गले में गिल्टियाँ थी जिसको हम लोगों ने गले से निकाला और उसके बाद सीने से प्रत्यारोपण करके उनका पूरा चेहरा जैसा भगवान वाला तो नहीं बना पाएगा कोई भी आदमी, ये सीने का निकाला और ये प्रत्यारोपण करके मुंह वापस बनाया। डॉक्टर विनायक अग्रवाल, एक्चुअली ऑपरेशन कैंसर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कैंसर मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट मांगता है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें कभी कोई आदमी आपको ये तसल्ली नहीं दे सकता कि सिर्फ ऑपरेशन से ठीक होंगे या सिर्फ कीमो से ठीक होंगे या सिर्फ सिकाई से ठीक होंगे। ये साथ में पूरा गठबंधन चलता है। अगर किसी को कैंसर है तो हो सकता हो उसे ऑपरेशन कीमो सिकाई से ठीक करा जाए, या पहले कीमो फिर ऑपरेशन फिर सिकाई दिया जाए, या कीमो सिकाई फिर ऑपरेशन फिर कीमो दिया जाए। तो ये एक जो मल्टी मोडेलिटी कम्बाइंड ट्रीटमेंट है, यही कैंसर को ठीक करता है। अगर कैंसर के लिए आज के दिन ये कहा जाए कि सिर्फ हम ऑपरेशन करेंगे और ठीक हो जाएंगे, या सिर्फ हम कीमो देंगे और ठीक हो जाएंगे, या हम सिर्फ सिकाई करेंगे और ठीक हो जाएंगे, तो एक गलत है। मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट अप्रोच होता है। तो इस तरह के काफ़ी मरीज हैं जो इधर उधर भटकते भी हैं, कोई बॉम्बे जाता है, हमारे पास बम्बई आते भी थे इस तरह के लोग, उसी को देखते हुए हम लोग वापस अपने घर आए हैं और यहाँ चालू करें। तो इस तरह जो पीड़ित हैं या तो जानकारी भी नहीं मिल पाती उनको कैंसर से पीड़ित हैं, तो किस तरह जाने क्या लक्षण खास कर दिखाई देता है? खासकर सबसे ज़्यादा जो हमारा जो एरिया है गोरखपुर का, जो यहाँ के लोग हमारे मेरे इस वार्तालाप से जो फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारा यहाँ का पानी एच पायलोराई बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। किसी के भी घर में ऐसा नहीं हो सकता कि एच पायलोराई का इन्फेक्शन ना हो, और ये जो एच पायलोरी बैक्टीरिया होता है ये पेट का कैंसर बहुत कराता है, जिसका सबसे पहले लोगों को ये समझ में आता है कि अपच हो रही है, एसिडिटी हो रही है, पता चलता है धीमे धीमे खून की उल्टी चालू होती है, टट्टी काली होना चालू होती है और ये कैंसर का रूप ले लेता है पेट के। दूसरा, हमारे यहाँ गॉल ब्लैडर की पथरी बहुत कॉमन है लोगों में, जिसको देख करके गॉल ब्लैडर का कैंसर हमारे इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। और तीसरा, हमारे यूपी बिहार के लोग इतना ज़्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं कि हमारे यहाँ मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसमें अभी साल भर मुझे बम्बई से लौटे हुआ है और अभी तक हम लोगों ने 111 मुँह के कैंसर ही अकेले ऑपरेट करे हैं, इतना ज़्यादा लोड है हमारे यहाँ मुँह के कैंसर का हमारे इस पूरे जोन में। तो जहाँ तक है ये तीन चीज़ें ही हैं जो देखी गई हैं जिसका हमें कारण भी पता है, पित्त की थैली में पथरी होना, एच पायलोरी का इन्फेक्शन होना, तंबाकू शराब का सेवन अधिक करना, यही बहुत बड़ा कारण है जिससे कैंसर होता है। अगर आप इससे बचे रहेंगे तो आप हमारे जोन में कैंसर का रेट आधा कर देंगे। लक्षण पता चलता है, लोग अस्पताल भी जाते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, काफ़ी पैसा भी खर्च करते हैं, क्या इसके प्राथमिक उपचार इस तरह घरेलू है जिसका वो पालन करें, सेवन करें, इससे बच सकते हैं? दिक्कत ये है कि घरेलू उपचार कैंसर में कुछ नहीं होता। पहली चीज़, क्योंकि अभी तक हमारे गोरखपुर में कहीं भी कैंसर का डेडिकेटेड काम नहीं हो रहा था, हम लोग किसी तरह पाइनियर बन के आए हैं, जो हम लोग मल्टी मोडेलिटी कीमो रेडिएशन हम लोग चार डॉक्टर मिल करके सारा काम शहर में चालू करे हैं। इससे हम ये लोगों को समझ दे सकते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो एक बार दिखाने के बाद अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है तो कृपया इंटरनेट का, गूगल वगैरह का सहारा ना लें,
क्योंकि वो आपको सारी चीज़ें कैंसर ही बताता है। और हर बीमारी, हर गांठ कैंसर नहीं होती, मगर अधिकतर कैंसर गांठ के रूप में ही मिलता है, मगर हर गांठ कैंसर नहीं होती। इसलिए अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के या अपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या जो भी आपके निकट के डॉक्टर हैं, पहले उनको दिखाइए। अगर उन्हें हल्का भी कैंसर का शक होता है तब हमारे पास आइए, हम हर हालत में मदद करेंगे।